हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं और आपने आज तक कहीं पर भी जो है टीचिंग नहीं की है, तो बिल्कुल फ्रेशर एलिजिबल है। नेवी चिल्ड्रन स्कूल में शिक्षक भर्ती का नया एडवर्टीजमेंट जारी किया गया है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है और साथ में बाल वाटिका टीचर्स की भी वैकेंसी है। और भी कई वैकेंसी है, लेकिन हम शिक्षक भर्ती से जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वीडियो में देखते हैं और कैसे अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में बताई जाएगी। ध्यान से वीडियो देखिएगा। आयु सीमा 21 से लेकर 50 वर्ष इसमें रखी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए, वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चले आएँ, नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली, या फिर गूगल पर सर्च कर लें ncsdelhi.nesnavy.in। यहाँ पर करियर सेक्शन आपको मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो वैकेंसी का नोटिफिकेशन देख पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म नीचे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म रहा, इसे आप डाउनलोड कर लेंगे और प्रिंट निकाल के फिल कर लेना है। अब देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एट नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25। तो जॉब लोकेशन रहेगी चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली। किसी भी राज्य के कैंडिडेट यहां आवेदन कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट पहली बार जो है टीचिंग लाइन में एंटर करना चाहते हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, तो कहीं भी वैकेंसी निकलती है, अगर जहां कोई फीस नहीं लग रही होती है तो आप ज़रूर आवेदन करें। अगर दूर है फिर भी आप चले जाएं, क्योंकि इस टाइम जो है जॉब पाना, प्राइवेट में भी जॉब पाना जो है बहुत मुश्किल काम है। अगर आप एक साल काम कर लेते हैं तो आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आपको अनुभव हो जाता है स्कूल में जो है किस तरीके से काम किया जाता है, क्या वर्क होता है, सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। दूर भी जो है आपको जाना पड़े तो आप बिल्कुल जाएँ, क्योंकि आपको टीचिंग ही करनी है तो आपको दूर भी जो है जाना पड़ेगा। हो सकता है कि आप यहाँ पर जो है अनुभव ले रहे हैं पढ़ाने का, आपका सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है और आपका जो है यहाँ पर काम करते करते जो है गवर्नमेंट जॉब में भी सिलेक्शन हो जाए। तो ऐसा मैं मानती हूँ कि हर कैंडिडेट जो भी जॉब सर्च कर रहे हैं, बिल्कुल उनकी जल्द से जल्द जॉब लगे। नेवी चिल्ड्रन स्कूल में हमेशा से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही वैकेंसी आती रही है। आप एक साल अच्छा काम करते हैं, आपको नेक्स्ट ईयर यहाँ फिर से यहाँ रख लिया जाता है। इसी तरीके से जो है वो सालों साल जो है टीचर्स यहाँ बने रहते हैं। अब जिनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो वो ही छोड़ के जाते हैं, बाकी आपके काम पर ही डिपेंड करता है। TGT फिजिकल एजुकेशन ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। एज लिमिट 21 से 50 वर्ष है। अगर आप यहाँ पर आयु सीमा, योग्यता इन्हें पूरा करते हैं तो ज़रूर फॉर्म फिल किया करें। TGT फिजिकल एजुकेशन के लिए बैचलर डिग्री इन रेलिवेंट सब्जेक्ट 50% मार्क्स के साथ में बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री BEd चाहिए, सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़ा हो फिजिकल एजुकेशन। प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग रेगुलर मास्टर डिग्री। जिन कैंडिडेट ने, क्योंकि यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगा है, स्नातक मांगा है, तो अगर किसी ने इस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री किया है तो उनको ये प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद देखें प्राइमरी टीचर्स के लिए तो कई ऑप्शन रहते हैं। एज लिमिट 21 से 50 वर्ष है। नेवी चिल्ड्रन स्कूल में प्राइमरी टीचर्स में BEd वाले भी जो है एलिजिबल हैं, ध्यान रखें। अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने DEd किया है, BEd किया है, DLED किया है, BTC किया है, BSTC किया है, तो प्राइमरी टीचर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर आप देखें स्नातक के साथ में आपने जो है स्नातक भी रेगुलर की हो, 55% मार्क्स हो उसमें, बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd आपका होना चाहिए या DLED आपका होना चाहिए, ये तो है आपका स्नातक के साथ में। अगर आपने सीनियर सेकेंडरी किया है, 12th पास हैं आप 55% मार्क्स के साथ में, 2 साल का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आपने कंप्लीट किया है, सभी रेगुलर कोर्स होने चाहिए लेकिन 50% मार्क्स के साथ में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। किन कैंडिडेट को ये प्राथमिकता देंगे, प्रेफरेंस किनको देंगे, तो यहाँ पर देखें प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रिप्यूटेड फाउंडेशनल एंड
प्रीपेरेटरी स्टेज CBSE स्कूल। अब प्राइमरी टीचर्स के लिए उन कैंडिडेट को ये प्रेफरेंस देंगे जिन्होंने पहले CBSE स्कूल में प्राइमरी टीचर्स की पोस्ट पर पढ़ाया है। तो ये फ्रेशर को तो एलिजिबल कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास अनुभव नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। अब कोई भी एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो फ्रेशर को ही लेंगे। बाल वाटिका टीचर्स में 21 से 50 वर्ष उम्र है, इसमें 12th 55% मार्क्स के साथ में होना चाहिए, साथ में 2 साल का डिप्लोमा नर्सरी टीचर एजुकेशन का या फिर प्री स्कूल एजुकेशन का या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम का या फिर इसके इक्विलेंट अगर कोई योग्यता है, तो भी आप बाल वाटिका टीचर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएड जनरल वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बीएड नर्सरी वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इन सभी में रेगुलर कोर्स ही होना चाहिए सबका 50% मार्क्स के साथ में। यहाँ पर भी जिन्होंने इस पोस्ट पर पहले काम किया है उनको प्रेफरेंस देंगे। तो अनुभव नहीं मांगा गया है, बाकी जो है आगे रखेंगे उनको जिन कैंडिडेट के पास पहले अनुभव है इसी पोस्ट पर काम करने का। स्कूल क्लर्क एंड ऑफिस असिस्टेंट 21 से 50 वर्ष उम्र है इसमें भी, एकेडमिक और एक्सपीरियंस मांग रहे हैं इसमें, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए विद एडुकेट नॉलेज ऑफ क्लरिकल ड्यूटीज़। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में। इसमें 3 साल का अनुभव आपका होना चाहिए ऑफिस वर्क का, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। स्टेट मैनेजर की वैकेंसी है, एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की वैकेंसी है, स्पीच थेरेपिस्ट की वैकेंसी है। तो टीचिंग में मैंने आपको बता दिया है बाल वाटिका टीचर्स, प्राइमरी टीचर, TGT फिजिकल एजुकेशन। इसमें कोई भी अनुभव नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जिसके पास अनुभव है उनको प्राथमिकता देंगे। मान लीजिए कोई भी अनुभवी टीचर नहीं आता है तो ऐसे में फ्रेशर को ही लेंगे। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, आप लोगों को बता दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को मिल जाएगा, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ करियर सेक्शन में 2nd नंबर पर एप्लीकेशन फॉर्म है, डाउनलोड करना है आपको, प्रिंट निकाल के फिल कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 100 रुपीज़ है, तो ज़्यादा फीस भी नहीं है। 7 नवंबर 2024 लास्ट डेट है, ठीक है। तो आपको जो है 100 रुपीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, नेवी चिल्ड्रन स्कूल का अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है, IFSC कोड भी दिया हुआ है। जिन भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करेंगे तो उनको पहले रिटर्न टेस्ट देना होगा, फिर इंटरव्यू देना होगा, उसके बाद जो है डेमो क्लास रहेगी। और ये सारी जानकारी आपको टेलीफोन या फिर ईमेल एड्रेस आप लोग देंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसी पर आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। अब इन्होंने कहीं पर भी जो है सैलरी के बारे में नहीं बताया, सैलरी मेंशन नहीं की है, लेकिन नेवी चिल्ड्रन स्कूल में काफ़ी अच्छी सैलरी देते हैं, 30,000 से ऊपर ही जो है आपकी सैलरी रहेगी। बाल वाटिका टीचर प्राइमरी टीचर्स की 30,000 से ऊपर ही रहेगी। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ में। किसी भी राज्य की वैकेंसी जारी होती है आप लोगों को बताया जाएगा, चैनल पर बने रहें। थैंक यू।